नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। दोस्तों आपकी सेवा में फिर हाजिर हैं राजस्थान जीके का 51 प्रश्नों का एक नया वीडियो लेकर। आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजस्थान में बसंत के आगमन पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है जो महिलाओं के लिए अहम माना जाता है? ये मेवाड़ उत्सव, माफ कीजिएगा, ये मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये सेवर में है, सेवर भरतपुर जिले में है। राजस्थान में आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने वाले उपक्रम का नाम क्या है? इसका नाम है राजस्थान वित्त निगम। चित्तौड़गढ़ जिले में कितने दरवाजे हैं? चित्तौड़गढ़ किले में कितने दरवाजे हैं? चित्तौड़गढ़ किले में 7 दरवाजे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने राजस्थान के किस जिले में व्यापक बाल मजदूरी की पहचान की है? ये भीलवाड़ा जिले में की है। संत पीपा किस परिवार में पैदा हुए थे? संत पीपा झालावाड़ जिले के एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में बाढ़ कौन सी नदी के कारण आई थी? ये गग्गर नदी के कारण आई थी। राजस्थान में वनस्पति और जीव की प्रजातियों के संरक्षण और रक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया जा चुका है? ये जैव विविधता अधिनियम 2010 है। राजस्थान सरकार के साथ किस निजी ऊर्जा कंपनी ने 6000 मेगावाट का 16 सोलर पार्क स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है? ये रिलायंस पावर लिमिटेड ने किया है। राजस्थान में चंग नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ये शेखावाटी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। राजस्थान की शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था ने किया है? ये एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। जैसलमेर किले की कहानी पर आधारित सत्यजीत रे द्वारा रचित जासूसी उपन्यास का नाम क्या है? इसका नाम है सोनार किला। केवला देव घना पक्षी अभयारण्य यानी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी थी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में बहती थी जो बाद में विलुप्त हो गई? ये सरस्वती नदी थी। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? ये घना केवला देव में किया जाता है। चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? करणी माता देशनोक बीकानेर चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये मेंज नदी पर स्थित है। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अंग्रेजों यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? ये करौली राज्य था। खो दरीबा क्षेत्र किसके खनन से संबंधित है? ये तांबा के खनन से संबंधित है। राजस्थान का लिंबाराम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? ये हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? ये सीसा और जस्ता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में बहती है? ये कोटा संभाग में बहती है। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? ये कैप्टन मॉन्क मेसन की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? ये खेतड़ी में है। राजस्थान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो केंद्र सरकार के अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है? ये महाराणा प्रताप पुरस्कार है। पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये व्यास नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? ये मकराना में मिलता है। कौन से लोक देवता राजस्थान के गाँव गाँव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ये लोक देवता है भूमिया जी। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? ये 1 नवंबर 1956 को दिया गया। अनासागर झील किस जिले में है? ये अजमेर में है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये जोधपुर है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, ये हरविलास शारदा थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? ये पुष्कर झील है। राजस्थान राजस्व मंडल का गठन कब हुआ? ये जनवरी 1949 को हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है?
ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ये भरतपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा की गई। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था। जोधपुर का किला किस राजा ने बनवाया था? ये राठौड़ वंश के राव जोधा ने बनवाया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये धरणसा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से राजस्थान में आने वाली प्रमुख जातियां कौन सी थी? ये जातियां थी सिवी, अर्जुनायन, योद्धे, मालव। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ लगती है? ये बीकानेर में लगती है। राजस्थान का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद का नाम क्या था? डॉक्टर गिरिजा व्यास राजस्थान की प्रथम महिला सांसद हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये उड़िया पठार है। राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये दूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही 51 प्रश्नों की ये सीरीज पूरी हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।